कि फस्तजबना लहू व नजैनाहू मिनल गम, हमने उसकी दुआ कबूल कर ली और हमने उसे गम से निजात दी। तो इससे यह पता चलता है कि जब हम आयते करीमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह तू पाक है, मैं यकीनन जालिमों में से, कसूर मेरा अपना है, गुनाह मेरे अपने हैं, गलतियां मेरी हैं। जब इंसान अपनी गलती का एतराफ करता है तो अल्लाह ताला उससे बड़ा खुश होता है, क्योंकि शैतान, शैतान ने तकबर किया था, अबा इनकार किया, वस्तकबरा और तकबर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। तो जब इंसान अल्लाह के हुक्म से इनकार करता है और तकबर करता है कि मैं बड़ी चीज हूं और अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, तो फिर अल्लाह ताला की नाराजगी आती है। शैतान इंसान का दुश्मन है, शैतान इंसान के पीछे लगा रहता है और वो उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात डालता है, वसवसे डालता है, और कभी कभी उसको ऐसी बातें सुझाता है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारी तो कोई दुआ ही कबूल नहीं होती, कोई फायदा नहीं अल्लाह ताला को पुकारने का, जाओ किसी और के पास। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह अल्लाह सुभानहु ताला ने इस दुआ की बदौलत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ फरमा दिया और यूनुस अलैहिस्सलाम को गम से निजात दी, और साथ ही खुशखबरी दी कि और सारे मोमिनों को भी हम ऐसे ही निजात देते हैं। यानी मतलब क्या था कि अगर कोई शख्स किसी तकलीफ और गम और मुसीबत के वक्त ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं। सबको आता है ये आयत करीमा, सुनाए मुझे। शाबाश, बहुत ही अच्छा। तो इससे क्या पता चलता है कि जब दिल पे बोझ आए, जब दिल पे गम आए, जब कोई फिक्र आए, जब दिल उदास हो, जब दिल परेशान हो, तो क्या करें? ये आयत करीमा पढ़ें, तस्बीह पढ़ें। तस्बीह गमों का इलाज है। आप देखें यहां भी वो क्या कहते हैं, सुभानक, तू पाक है, अल्लाह तेरा कोई कसूर नहीं, गलती मेरी अपनी है, तू पाक है, तू जुल्म नहीं करता, तू किसी पे ज्यादती नहीं करता, तू सबका मौला है, तू सब पे रहम फरमाता है, गलती मेरी अपनी। आप देखें कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब शैतान के बहकावे में आके उस दरख्त का फल खा लिया था जिसे मना किया गया था, तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला नाराज हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला को कैसे मनाया, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आप तो सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि आपको इतनी दुआएं आती हैं, और जरूरी जरूरी दुआएं आती हैं। इस दुआ का भी मतलब क्या है कि ऐ हमारे हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया, अगर तू नहीं बख्शेगा और तू रहम नहीं फरमाएगा, हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अपनी गलती मान लेना, अपने गुनाहों पे तौबा कर लेना, अपने किसी कसूर को याद करके रो देना, ये अल्लाह ताला की रहमत लाता है और दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। अच्छा, हमारा आमतौर पर रवाज ये है कि जब कोई तकलीफ आती है तो हम लोगों को कहते हैं मुझे पढ़ के दे दो। अच्छा, वो जब पढ़ते हैं तो वो कहते हैं इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, वो तो अपने कसूरों की माफी मांग रहे हैं, आपको क्या देंगे वो? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये लड़की जिसने मुझे कहा है ये बड़ी जालिम है, नहीं, वो तो नहीं कह सकते। तो हर इंसान को खुद अपने लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। और इसमें कोई शर्त नहीं है कि जरूर 1.25 लाख ही पढ़े, आप चाहे तो 2 लाख पढ़ लें, किसी ने मना नहीं किया, 4 लाख पढ़ लें, या आप चाहें तो जितनी दफा आपसे पढ़ा जाता पढ़ लें। लेकिन असल चीज क्या है कि आपके अंदर एक तासीर होनी चाहिए, पढ़ते वक्त आपका दिल रोना चाहिए, अल्लाह मेरी इससे गलती हो गई है, इस वजह से मेरी शामत आई है, आप मुझे माफ कर दें। तो अपनी गलतियों का एतराफ जो है ये इंसान की सरिश्त में है, शैतान नहीं मानता अपनी गलती, और जो इंसान अपनी गलती ना माने वो शैतान का भाई है, ठीक है ना।
अब हमें दूसरों को तो हम नहीं मनवा सकते, लेकिन हम अपनी अपनी फिक्र तो कर सकते हैं ना, अपनी मुश्किलात से तो निकलने के लिए ये वजीफा कर सकते हैं और करते रहना चाहिए। तो इस आयत से ये बात पता चलती है कि तस्बीह करना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, इसमें दो चीजें पढ़ी है उन्होंने, ला इलाहा इल्ला अंता, वैसे हम दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए गम का इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह में, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जब कभी दिल बोझल हो कसरत से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपका दिल हल्का होने लगे। और दूसरा इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, सुभानका, दूसरा है सुभानका, तू पाक है, तो उसमें हम कैसे पढ़ सकते हैं, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, एक दफा सुभानअल्लाह कहने से जमीन और आसमान के बीच की फजा भर जाती है, इतना बड़ा कलमा है ये, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से मीजान भर जाता है, इतने वजनी है ये कलमात। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, मामूली चीज नहीं है, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, इसलिए हमें कसरत से अल्लाह को पुकारना चाहिए। और जो अल्लाह को पुकारता रहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान आ जाता है। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान है, अल्लाह के जिक्र में सुकून है। तो अल्लाह सुभान व तआला को हर हाल में याद करते रहे और तस्बीह पढ़ते रहे और ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का इकरार करते रहे। इस दुआ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूनुस अलैहि सलाम ज़ुन्नून की दुआ जब वो मछली के पेट में थे, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, जब भी कोई मुसलमान किसी मामले में इन अल्फाज के साथ अपने रब से दुआ करे, उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। यानी अगर आपकी कोई और दुआएं भी हैं, कोई हाजतें हैं, तो ये तस्बीह पढ़ के, एक दफा पढ़े, दो दफा पढ़े, तीन दफा, पांच दफा, जितना आपके पास टाइम है, या दुआ मांगने से पहले आप पढ़ लें और फिर अपनी दुआ करें। बच्चों के एग्जाम्स हैं, या कोई जॉब का मसला है, या कारोबार का मसला है, या कोई बीमार है, या कोई दुखी है, परेशान है, तो आप क्या करें, दुआ करें, अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें। मुसलमान की दुआ मुसलमान के हक में कबूल होती है और उसके लिए फरिश्ता दुआ करता है, या अल्लाह इसको भी यही अता फरमा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं कि जब तुम में से किसी आदमी को कोई रंजो अलम हो, दुनिया की आजमाइशों में से कोई आजमाइश आ जाए और वो इस दुआ को पढ़े तो उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो आपसे कहा गया, क्यों नहीं? आपने फरमाया, वो मछली वाले की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ को दुआए कर्ब कहा जाता है, यानी कर्ब बला के वक्त ये दुआ पढ़ी जाए। इस दुआ में ना चार चीजों को वसीला बनाया गया है, एक तौहीद को, एक तस्बीह को कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, और फिर अपनी इबादत के इकरार को और अपनी गलतियों के इतराफ को। ये चार चीजें हैं खास इस दुआ के अंदर, जिसकी वजह से दुआ की कबूलियत होती है। जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तौहीद का इकरार करता है, तो उसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, इंसानों के पास कुछ नहीं, असल में तो तेरा नाम है, असल में तो सब कुछ करने वाला तू है, शिफा तू देता है, दुखी लोगों के दुख दूर तू फरमाता है, भूखों को तू खिलाता है, यानी सब कुछ तू ही करता है, जमीन आसमान का निजाम तू ही चलाता है, हर चीज तेरे इख्तियार में है, तेरे कब्जे कुदरत में है। तो जब हम ये इकरार करते हैं तो फिर उसके नतीजे में अल्लाह ताला हमसे राजी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला को ये पसंद है कि बंदे उसकी बड़ाई का इजहार करें। फिर अल्लाह ताला हर ऐब और हर नक्स से पाक है, और जब हम ये यकीन कर लेते हैं ना, तो फिर हमारे दिल में अल्लाह ताला के लिए बदगुमानी नहीं आती, फिर बंदा अल्लाह से नाराज नहीं होता। कई लोगों को देखा गया है, अगर उनका मसला हल ना हो तो नमाज ही छोड़ देते हैं। तौबा तौबा, इससे तौबा करनी चाहिए, कभी भी अल्लाह ताला के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। क्या कोई अल्लाह से जीत सकता है, कोई अल्लाह को हरा सकता है? हरगिज भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी
अरे अपनी गलतियों को देखना चाहिए, अल्लाह ताला से बदगुमान नहीं होना चाहिए। बाज़ुकत ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज आ जाती है जो हमें बड़ी नापसंद होती है। मसलन किसी लड़की की शादी किसी ऐसी जगह हो गई कि उसके ससुराल उसको पसंद नहीं है, किसी को अपना शौहर पसंद नहीं, किसी किसी के लिए कोई और मुश्किल खड़ी हो गई। ऐसी चीजें जिंदगी में होती रहती है ना। फिर इंसान कहता है मैं क्या करूं, किस तरह इस मसले से निकलूं, क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन जब वो ये देखता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, असा अंतकरहु शैअन व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा, हो सकता है एक चीज तुम्हें सख्त नापसंद हो और अल्लाह ताला उसमें बहुत बड़ी खैर डाल दे। बाज़ुकत आपकी ट्रांसफर किसी और शहर में हो जाती है, आपका कारोबार कहीं और होता है, आपको अपने दोस्त माँ बाप बहन भाई छोड़ने पड़ते हैं, ये सारे दुखी दुख के वक्त होते हैं। लेकिन फिर आप क्या सोचते हैं, इसमें भी कोई खैर होगी, इसके पीछे भी कोई हिकमत होगी, अल्लाह ताला मेरे हक में कभी भी बुरा नहीं करता, अल्लाह ताला बड़ा ही मेहरबान है, या इसमें कोई खैर होगी, कोई फायदा होगा। और बाद सलफ सालहीन कहते हैं कि एक मेरा फैसला होता है और एक अल्लाह का फैसला होता है, नाफिज तो अल्लाह का फैसला होता है। जब वो अल्लाह का फैसला नाफिज हो जाता है और वो मेरी मर्जी के खिलाफ भी होता है तो तब भी मैं खुश होता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा रब मुझसे ज्यादा जानता है, मेरे हक में क्या बेहतर था उसको ज्यादा पता है। मसलन आपको बेटे की बड़ी ख्वाहिश है और बेटी पैदा हो जाती, इतना दुख लग जाता है लोगों को। बाज लोग तो बेटी देखते भी नहीं है, ईदी को जाके दे देते हैं या मार डालते हैं या फेंक देते हैं, ऐसे भी वाकयात मिलते हैं। या बीवी को घर से निकाल देते हैं हालांकि उस बीवी का कोई कसूर नहीं, वो तो अल्लाह का फैसला ना। जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे दोनों दे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे, ये तो अल्लाह का फैसला है। ये तो उसको पता है कि किसके साथ कैसा मामला करना है। बंदे का काम क्या है कि अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाए, ये सोच के कि अल्लाह ज्यादा इल्म वाला है, अल्लाह की हिकमत ज्यादा है, अगर मुझे नहीं पता तो ये मेरी अपनी अकल का कसूर है क्योंकि मेरी अकल छोटी है।